दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2021 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए साउथ इंडस्ट्री पूरी तरीके से तैयार है, तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा। यानी कि भैया, जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने के लिए 2021 की तैयारियां सबके सामने रखी हैं, उसको देखने के बाद ये बातें अब बॉलीवुड को समझनी बहुत ज़रूरी है कि भैया हो जाओ तैयार, नहीं तो बॉलीवुड का जो सर्किट है वो साउथ इंडस्ट्री के हाथों में जाने वाला है। दोस्तों, अभी तो आपको पता ही है कि एक दिन पहले जब केजीएफ के चैप्टर 2 का पहला टीजर हम सबके सामने आया, तो भैया उसको कैसा रिस्पांस मिला है पूरे विश्व से। यानी कि भैया, इस टीजर ने तो कई बड़े बड़े रिकॉर्ड को धराशायी करते हुए ये बात साबित कर दी है कि आने वाले वक्त में साउथ इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बड़े कीर्तिमान बनाएगी और भैया धीरे धीरे पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगर कब्जा अगर किसी इंडस्ट्री का होगा तो वो साउथ इंडस्ट्री होगा। तो दोस्तों, अभी तक तो केवल बातें केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर की हो रही थी, लेकिन भैया आज साउथ की एक और आने वाली फिल्म ने तो ये बात क्लियर कर दी है कि भैया ये फिल्म भी जब सिनेमा घर में आएगी तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो दोस्तों, फाइनली चियान विक्रम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि कोबरा का टीजर आज लॉन्च किया जा चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई, इस टीजर को देखने के बाद तो भैया इस फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि भैया इस फिल्म की कहानी आखिर में क्या है। यानी कि भैया इस फिल्म में कई भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं विक्रम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़े भैया विक्रम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि कोबरा के टीजर से। तो दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि कोबरा को भी 2020 में ही सिनेमाघर का रास्ता तय करना था, लेकिन भैया ये फिल्म भी कोरोना वायरस की वजह से 2020 में रिलीज नहीं हो पाई और ना ही इस फिल्म का काम 2020 में कंप्लीट हो पाया था। तो दोस्तों, फाइनली अब कोबरा का भी काम कंप्लीट हो चुका है और इसका पहला टीजर आप हम सबके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस टीजर का रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर अजय गन्नन मुथु ने और भाई इस फिल्म में विक्रम के साथ नजर आ रही हैं श्रीनिधि शेट्टी और भाई इस फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर यानी कि इरफान पठान। यानी कि भैया क्रिकेट के मैदान को छोड़कर अब फिल्मी जिंदगी में उतर चुके हैं इरफान पठान। और भाई इरफान पठान ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है मेरे भाई। यानी कि टीजर में उनका जब पहला शॉट मेरे सामने आया तो भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इंडियन टीम का ये फास्ट बॉलर इतना बेहतरीन कलाकार भी है। यानी कि भैया इरफान पठान कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक्टिंग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का टीजर बहुत ही बेहतरीन है और भाई फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक्साइटेड कर देंगी। यानी कि भैया इस फिल्म में एक बात तो समझ में आ रही है कि विक्रम जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और उसके बाद में वो अपने गणित से पूरे सिस्टम को पूरे पुलिस को घुमाते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया अलग अलग रूप में अलग अलग किरदार में विक्रम इस फिल्म में नजर आएंगे। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म को लेकर जो मुझे जानकारी है कि भैया इस फिल्म में विक्रम लगभग 8 किरदारों को निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का टीजर बहुत ही बेहतरीन है और यह टीजर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भैया इस फिल्म में आपको एक बार फिर से विक्रम की बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भाई जब यह सिनेमाघर में फिल्म आएगी तो भैया ये फिल्म भी धमाल मचाएगी। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या यह फिल्म हिंदी में भी आने वाली है, क्योंकि भैया अभी तक इस फिल्म का जो टीजर हम लोगों के सामने आया वो साउथ के लैंग्वेज में आया। और भाई हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए इस फिल्म के मेकर्स को। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से अभी जरूर बताइएगा कि भाई जिस तरह की खबरें साउथ इंडस्ट्री से आ रही हैं उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बॉलीवुड को भी अब कड़ा मुकाबला मिलने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। अपने कमेंट के माध्यम से अभी जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और मांडे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।